हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम पास्ट टेंस का थर्ड पार्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, इस वीडियो लेक्चर में रीड करेंगे। हम अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में पास्ट इंडेफिनेट और पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के बारे में पढ़ चुके हैं, और उससे पहले हम प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स भी कर चुके हैं। तो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप उन वीडियो को पहले देखिए और इन टेंस के बारे में समझिए। तो आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी पहचान, कि जब भी हम किसी वाक्य को हिंदी में देखेंगे तो उसके वाक्य के अंत में जो मुख्य क्रिया है उसके साथ चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, दिया था, ली थी, दी थी, की थी आदि का प्रयोग होता है, तो वो वाक्य हमारे पास्ट परफेक्ट टेंस के वाक्य होंगे। फॉर एग्जाम्पल, इसके जैसे एग्जाम्पल है, राम घूम चुका था, सीता आ गई थी, मतलब सीता आ चुकी थी, मैंने किताब ली थी, मैंने किताब ले ली थी। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर की। तो सबसे पहले जैसे हमारा फर्स्ट पार्ट होता क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होता है आप सभी को पता है, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं सकारात्मक वाक्य। ठीक है, सकारात्मक वाक्य जिनमें नहीं का प्रयोग नहीं होता है। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होती है, सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, हेड, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हमारे सिंपल सेंटेंस की स्ट्रक्चर है जो पास्ट परफेक्ट के सिंपल टेंस होंगे। ठीक है, तो इसके कुछ एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखे हैं, आप देखिए। जैसे राम स्कूल जा चुका था, ठीक है, मैंने खेल लिया था, मतलब मैं खेल चुका था, हमने फिल्म देखी थी, हम फिल्म देख चुके थे, तो इसको आप इस तरह भी लिख सकते हो, और हम फिल्म देख चुके थे इस तरह भी लिख सकते हो। तो इनको हमें ट्रांसलेट करना है इन इंग्लिश, तो कैसे करेंगे, देखिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है इसमें, राम। ठीक है, अब देखो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी इसमें, आपका सिंगुलर हो प्लूरल हो कुछ भी आपका सब्जेक्ट है, सबके साथ हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, हेड, राम हेड। अब क्या आएगी, थर्ड फॉर्म आएगी वर्ब की, तो इसमें वर्ब क्या है, जाना, तो गो, गो की थर्ड फॉर्म क्या होती है, गॉन, राम हेड गॉन, कि राम जा चुका था, राम हेड गॉन, कहाँ जा चुका था, स्कूल, तो ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, गॉन टू स्कूल, राम हैड गॉन टू स्कूल। दूसरा देखिए, मैं खेल लिया था, मतलब मैंने खेल लिया था, मैं खेल चुका था, तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसमें, आई, हेल्पिंग वर्ब हैड, खेलना क्या होता है, प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म क्या हो गई, प्लेड, आई हैड प्लेड, मैं खेल चुका था या मैंने खेल लिया था, हमने फिल्म देखी थी, हमने, हमने मतलब वी, हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, जो कि एक ही हेल्पिंग वर्ब है इसमें, हैड, क्या देखी थी, देखना, फिल्म। ठीक है, तो देखना क्या हो गया, वर्ब हो गया, थर्ड फॉर्म क्या हो गई, सी की थर्ड फॉर्म, सीन, वी हैड सीन द फिल्म, हमने फिल्म देखी थी। तो ये थे हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकेंड पार्ट, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंसेस, नेगेटिव सेंटेंस को हम हिंदी में कहते हैं नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य। अब देखिए नकारात्मक वाक्य क्या होंगे, जिनमें हमारा नहीं का प्रयोग होता है। जैसे आपने लिखा, पहले इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर देखिए, सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखो जैसे यही है, राम स्कूल नहीं जाता, सॉरी नहीं जा चुका था, अगर हम इसको ऐसे भी बोलेंगे कि राम स्कूल नहीं गया था तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हमारा अजीब लगेगा कि राम स्कूल नहीं जा चुका था, मतलब राम स्कूल नहीं गया था, तो हम जैसे लिखेंगे राम स्कूल नहीं गया था,
ये इसी का ही सेंटेंस है नेगेटिव में, जैसे राम स्कूल जा चुका था, मतलब राम स्कूल नहीं जा चुका था, नहीं जा चुका था मतलब वो स्कूल नहीं गया था, तो राम स्कूल नहीं गया था, इसको कैसे चेंज करेंगे हम? राम हेल्पिंग वर्ब हैड नॉट गॉन टू स्कूल। केवल हमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में नॉट का प्रयोग करना है, एनओटी नॉट। जैसे हमने फिल्म नहीं देखी थी, हमने फिल्म नहीं देखी थी तो क्या हो जाएगा, वी हैड नॉट सीन द फिल्म, हमने फिल्म नहीं देखी थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसका थर्ड पार्ट कौन सा होता है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो देखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं, जिन्हें हम हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। अब देखो इनकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगी, सबसे आगे डब्ल्यू एच प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब अगर आपका नोट का प्रयोग है तो हम सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग करेंगे अगर वाक्य में नहीं का प्रयोग होता है। तो देखिए अब हम बात करेंगे जैसे डब्ल्यू एच और हेड, कि हेड से हमारे सेंटेंस कब स्टार्ट होंगे और डब्ल्यू एच से हमारे वर्ड कब स्टार्ट होंगे जो सेंटेंस है। तो सबसे पहले डब्ल्यू एच वर्ड कौन से होते हैं, जो क्वेश्चन वर्ड होते हैं, जो डब्ल्यू एच फैमिली आपने सुना होगा जिसमें हमारे सभी क्वेश्चन वर्ड्स होते हैं, जैसे व्हाट है, वेयर है, व्हाई है, व्हेन है, विच है, हुम है, ठीक है, हाउ है, ये सभी डब्ल्यू एच फैमिली के वर्ड्स हैं जिनको हम क्वेश्चन पूछने के लिए यूज करते हैं। तो मैंने आपको पहले अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में भी बताया था कि जब हम किसी क्वेश्चन का आंसर यस और नो में दे सकते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब से अपने सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, और यदि हम उसका आंसर यस और नो में नहीं दे सकते तो हम डब्ल्यू एच से उसको स्टार्ट करेंगे। मैंने यहाँ पे दो एग्जांपल लिखे हैं, क्या आपने देखा, मैं आपसे पूछ रही हूँ क्या आपने देखा, तो आप कहोगे कि हाँ या ना, यस और नो में रिप्लाई दे सकते हो। बट अगर मैंने आपसे पूछा आपने क्या देखा, आपने क्या देखा, तो आपको उसका आंसर बताना होगा कि आपने क्या देखा है। जैसे मान लीजिए आप कहोगे मैंने एक मोबाइल देखा, मैंने एक पक्षी देखा, मैंने टीवी देखा, मैंने एक बस देखी, तो आपको आंसर देना होगा उसका, आप यस नो में नहीं बता सकते। तो देखिए जैसे क्या आपने देखा, तो आप क्या लिखोगे, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैड, आपने क्या हो गया, यू, और वर्ब क्या होगी थर्ड फॉर्म, सीन, हैड यू सीन, क्या आपने देखा। दूसरा है आपने क्या देखा, क्या, क्या के लिए हम क्या यूज करेंगे, व्हाट हैड यू सीन, आपने क्या देखा। ठीक है, क्या राम स्कूल गया था, तो इसका क्या हो जाएगा, हैड आगे आ जाएगा, हैड राम गॉन टू स्कूल, क्या राम स्कूल गया था, तो हैड राम गॉन टू स्कूल। क्या मैं खेल लिया था, क्या मैं खेल चुका था, हैड आई प्लेड। क्या हमने फिल्म देखी थी, हैड वी सीन द फिल्म। तो ये हमारे कुछ सेंटेंसेज है, आप इनको देखिए और इन सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिए। अभी हम पढ़ेंगे यूजेज ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, की जो पास्ट परफेक्ट टेंस है इसके यूज कहाँ कहाँ होंगे। फर्स्ट यूज है हमारा टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एक्शन इन द पास्ट, कि जो पास्ट परफेक्ट टेंस का हम यूज करेंगे तो उसमें फर्स्ट हमारा किस कंडीशन में होगा, कि टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड, कि उस कार्य को एक्सप्रेस करने के लिए, दर्शाने के लिए जो कंप्लीट हो चुका था बिफोर द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड एक्शन, दूसरा कार्य आरंभ होने से पहले वो कार्य पूरा हो चुका था, उसको दर्शाने के लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। इसका एग्जाम्पल देखिए, जैसे द फायर हैड बर्न्ड द हट्स,
द फायर हैड बर्न्ड। हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हुआ है कि जो आग थी उसने हट्स को, झोपड़ियों को जला दिया था बिफोर द फायर ब्रिगेड केम। फायर ब्रिगेड के आने से पहले, फायर ब्रिगेड के आने से पहले या फायर ब्रिगेड आई उससे पहले आग ने झोपड़ियों को जला दिया था। एक एग्जांपल और देखिए इसका, जैसे द थीफ हैड रन अवे। रन अवे, चोर भाग चुका था बिफोर द पुलिस केम। बिफोर द पुलिस केम, पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुका था। तो इसमें हमारा किसका यूज हुआ है, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। रन की तीनों जी फॉर्म आपकी सेम रहेगी, सॉरी रन रेन रन, फर्स्ट और थर्ड फॉर्म इसकी रन रहेगी। तो ये थर्ड फॉर्म है हमारी हैड के साथ कि द थीफ हैड रन अवे बिफोर द पुलिस केम। पुलिस आई उससे पहले चोर भाग चुका था। तो एक काम शुरू नहीं हुआ था, पुलिस वहां पर पहुंची नहीं थी, पुलिस वहां पर आई नहीं थी, उससे पहले ही थीफ वहां से भाग चुका था। द पेशेंट हैड डाइड। द पेशेंट हैड डाइड, जो रोगी था वो मर चुका था बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर आया उससे पहले रोगी मर चुका था। नोट देखिए, इन वाक्यों में कार्य का संपन्न होने का वर्णन करने के लिए बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय, टिल, अंटिल का प्रयोग होता है। ये वाक्य किसकी बात हो रही है कि जिन वाक्यों में, यहाँ पर आप इंटीजर जिन कीजिए, कि जिन वाक्यों में कार्य के संपन्न होने का वर्णन करने के लिए बिफोर, आफ्टर, ऑलरेडी, बाय, टिल और अंटिल का प्रयोग होता है, उनमें भी हम क्या करेंगे, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। तो जैसे ये है इसका, इसी का पार्ट है ये, ठीक है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैड कंप्लीटेड बिफोर द फिक्स्ड टाइम, FIXED, ठीक है, फिक्स्ड टाइम इन द पास्ट। उस कार्य को दर्शाने के लिए जो पास्ट में किसी निश्चित समय से पहले पूरा हो चुका है, उसमें हम पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करेंगे। तो उसमें वाक्यों में हमें क्या क्या पहचान बता रखी है इसने, उन वाक्यों में हमें ऑलरेडी, आफ्टर, बिफोर, टिल, बाय और अंटिल का प्रयोग मिलेगा। तो उनमें हमें थर्ड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करें। जैसे आई हैड ऑलरेडी, ऑलरेडी आ चुका है इसमें, आई हैड ऑलरेडी डन माई वर्क बाय 6 PM यस्टरडे, कल मैंने 6 बजे से पहले अपना काम पूरा कर लिया था। तो फिक्स टाइम हो गया 6 PM, उससे पहले मेरा काम पूरा हो चुका था। तो पास्ट में फिक्स टाइम को दिखाने के लिए हम इनका यूज कर सकते हैं, जब भी वर्ड इनका यूज हमें सेंटेंस में मिलेगा। थर्ड पार्ट है इसका, टू एक्सप्रेस एंड फुलफिल विश ऑफ द पास्ट, भूतकाल की कोई अपूर्ण इच्छा। अनफुलफिल्ड क्या हो गया, जो पूरी नहीं हुई है, भूतकाल की कोई ऐसी इच्छा जो पूरी नहीं हो चुकी, नहीं हुई, उसको बताने के लिए, उसको व्यक्त करने के लिए हम इस टेंस का यूज करेंगे। तो इसका जैसे एग्जांपल है, ही विश्ड, उसकी इच्छा थी दैट ही हैड एक्सेप्टेड द ऑफर, कि काश उसने जो ऑफर था वो एक्सेप्ट, वो स्वीकार कर लिया होता, कि काश जो ऑफर था उसने स्वीकार कर लिया होता, ये उसकी इच्छा थी। टू एक्सप्रेस एन इम्पॉसिबल कंडीशन ऑफ द पास्ट, अगर हमारी भूतकाल की कोई असंभव शर्त है, इम्पॉसिबल कंडीशन, असंभव शर्त है कोई भूतकाल की, तो उसको दर्शाने के लिए भी हम किसका यूज करेंगे, उसको दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस का। जैसे एग्जाम्पल देखिए, इफ ही हैड वॉक्ड केयरफुल्ली, यदि वो केयरफुल्ली चलता, यदि वो सावधानी से चलता, ही वुड नॉट हैव फॉलन, तो वो कभी नहीं गिरता, यदि वो सावधानी से चला होता तो वो नहीं गिरता। तो ये कुछ हमारे यूज थे पास्ट परफेक्ट टेंस के। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और पास्ट परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और इसके यूजेज के बारे में समझिए और इनकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।